भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में नाम कमाने के बाद भी लता मंगेशकर का एक सपना उनके साथ ही चला गया। वे हमेशा से ही प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर का टाइटल अपने नाम के साथ देखना चाहती थी। डूंगरपुर राजस्थान में एक रियासत थी। इस रियासत से जुड़े एक शख्स के साथ लता मंगेशकर के खास रिश्तों की चर्चा म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में बड़े अदब के साथ की जाती थी। दरअसल भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे राज सिंह, डूंगरपुर और लता मंगेशकर के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। उनके बीच अपनेपन, आत्मीयता और प्यार का नाता था। डूंगरपुर राजघराने के राज सिंह और लता मंगेशकर की दोस्ती किसी से नहीं छिपी थी, लेकिन दोनों का यह रिश्ता कब प्यार में बदल गया इसका एहसास न लता को हुआ और न ही राज सिंह को। आपको जानकर हैरानी होगी कि लता और राज सिंह कभी एक दूसरे के नहीं हो सके। राज सिंह को क्रिकेट और लता मंगेशकर की आवाज से बेहद प्यार था। लता मंगेशकर को भी गाने के अलावा क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी। जानकारों की माने तो दोनों की शादी इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि राज परिवार इस बात के लिए राजी नहीं था कि कोई साधारण परिवार की लड़की डूंगरपुर रियासत की बहू बने। राज सिंह का परिवार लता को अपनी बहू बनाने के लिए कभी राजी नहीं हुआ और राज सिंह ने अपने परिवार की बात तो मान ली, लेकिन कभी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कहते हैं कि राज सिंह प्यार से लता मंगेशकर को मिट्ठू कहकर बुलाते थे।